स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, अब आज इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे। तो आइसोमर्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर वेट एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर विद इन द मोलिक्यूल इज डिफरेंट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वे आइसोमर्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर वेट सेम होता है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब सीक्वेंस और बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, एटम्स के जुड़ने का जो क्रम है वह भी सेम होता है, लेकिन 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, लेकिन मोलिक्यूल्स में स्टीरियो सेंटर के चारों ओर एटम्स का जो 3D अरेंजमेंट होता है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जो आकाश में जो उनका विन्यास होता है, जो अंतरिक्ष में, समझ में आ गया 3D में, वो अगर अलग अलग हो तो उनको आइसोमर्स को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और इस परिघटना को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टीरियो आइसोमर टू अनदर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कन्फ्यूगेशनल और कन्फर्मेशनल, विन्यासी और संरूपणीय समाव। ये भी तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स की एक एनर्जी होती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। तो वे आइसोमर्स जिनमें एनर्जी बैरियर ज़्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, एनर्जी यानी कि उनको एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वे रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन वे आइसोमर्स जिनमें एनर्जी बैरियर कम होता है, यानी कि एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए कम अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो इतनी कम अमाउंट की जब एनर्जी होगी तो वह रूम टेम्परेचर पर उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जिसके कारण वे आइसोमर्स रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब चूंकि वह जब रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे, और कन्वर्ट इतनी फ्रिक्वेंटली होते हैं कि उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। क्लियर? तो अभी आगे देखेंगे इनमें जो डिफरेंस है। क्लियर ना? तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के आधार पर स्टीरियो आइसोमर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कन्फ्यूगेशन और कन्फर्मेशन। सबसे पहले हम कन्फ्यूगेशन और कन्फर्मेशन का क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं। यह आपको एक डायग्राम दिख रहा है, 2 डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें कन्फर्मेशन दे रखा है और एक कन्फ्यूगेशन का। तो कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सेम कंपाउंड। क्लियर? आप देखो डॉग हैं, ऊपर वाले में एक में सीधा खड़ा है, स्टेबल जो फॉर्म है उसकी, एक में अनस्टेबल, दोनों पीछे के टांग, ऊपर आगे हाथ, आपको दिख रहा है इस प्रकार से, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशन। क्लियर? मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, तो उनको बोलते हैं कन्फर्मेशन। आप आगे देखोगे एंटी और गाउसिय कन्फर्मर्स जब पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस में तब। अब दूसरा डायग्राम देखो, मॉलिक्यूल दोनों यानी कि दोनों डॉग अलग अलग है, यहाँ पर आप दोनों के कन्फिगेशन देख सकते हो, ये सही सलामत है बिल्कुल चारों पेरेंट्स के, और दूसरे में इसमें देखो एक ही ये अलग है थोड़ा, है ना, इसका कन्फिगेशन अलग है। तो कंपाउंड्स विद डिफरेंट कन्फ्यूगेशन आर डिफरेंट कंपाउंड्स। क्लियर? तो वे कंपाउंड जिनमें डिफरेंट कन्फ्यूगेशन होता है वे डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे सिस ट्रांस आइसोमर्स, ये भी हम ज्योमेटिकल आइसोमर्स जब आगे डिस्कस करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो भी टर्म्स आएगी बीच बीच में अपने लेक्चर में
वह सभी टर्म्स को हम आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ आपको कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। कंफर्मेशन क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, अंतरिक्ष में जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? जैसे सिस्ट्रांस हो गया। अब आगे देखो, स्टीरियोआइसोमर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के आधार पर। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कन्फर्मेशन, ये हमने देख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। 100 किलोजूल पर मोल एनर्जी से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते और इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। के लिए ये स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इसलिए इनको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरा जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं, उसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, 60 किलो जूल पर मोल से कम, जो कि रूम टेम्परेचर पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये आपस में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं। तो दीज आइसोमर्स कांट बी सेपरेट, इन आइसोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसके कारण सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। इसके कई वीडियोस में इसके कई सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट लुईस पाश्चर इन 1848 में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समायोजकता का जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है, वह फ्रेंच केमिस्ट लुईस पाश्चर के द्वारा 1848 में दिया गया था। उन्होंने देखा कि जब एक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, जो सिंगल कंपाउंड होता है, उन्होंने उसको जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि उसके दो क्रिस्टल स्वरूप पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप पाए जाते हैं, दो क्रिस्टल्स में वो पाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों क्रिस्टल्स को अलग अलग लेकर उनका एक्सरे एनालिसिस किया, और एक्सरे एनालिसिस के बाद में उन्होंने पाया कि दोनों ही क्रिस्टल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे क्या होती है, मिरर इमेज होती है, और दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्लियर? यानी कि क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और प्लेन पोलराइज को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये उन्होंने पाया। तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि वे आइसोमर्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो, उनकी संरचना समान हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी समान हो, लेकिन उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को उनका जो रोटेट करने का जो ऑर्डर था, एक राइट साइड में रोटेट करता है तो एक लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, वह अलग अलग था। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो राइट साइड में, यानी डेक्स्टर रोटेटरी और लियो रोटेटरी, अभी आगे देखेंगे इसी में, वो आइसोमर्स होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का अलग से वीडियो आएगा, उसमें और डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी में। क्लियर? तो द आइसोमर्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन दियर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। वन आइसोमर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज एंड कॉल्ड एज डेक्स्टर रोटेटरी, वाइल द अदर आइसोमर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज और कॉल्ड लियो रोटेटरी। तो वह आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में या राइट साइड में रोटेट करता है, उसको बोलते हैं डेक्स्टर रोटेटरी, और हम स्मॉल डी या प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और वह आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में, एंटी क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करता है, तो उसको बोलते हैं लियो रोटेटरी। क्लियर? और उसको स्मॉल एल या माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, एक बार समझ लो। प्लेन पोलराइज लाइट क्या, जैसे सामान्य प्रकाश होता है, सामान्य प्रकाश सभी दिशाओं में वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वह केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट
कटती है, जैसे खिड़की होती है कोई खिड़की, अपने खिड़की में अगर कोई जालियाँ बनी हुई है ऐसे हैं, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को अपन पास करें उसमें से, तो वह उसी डायरेक्शन में आगे निकलती है। तो ऐसे ही जब सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, तो निकोल प्रिज्म में क्या होता है, सिंगल सी स्लिट होती है, उसमें से वो लाइट जब पास होती है तो वो केवल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो वो सिंगल डायरेक्शन में भी, तो सिंगल डायरेक्शन में जब वो ऑसिलेट करती है तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ये आगे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी में अपन और आगे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। द मेन रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है मॉलिक्यूल का असममित होना, मॉलिक्यूल्स पे असिमेट्री का पाया जाना। क्लियर। इन ऑर्डर टू स्टडी द असिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, सम ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ETC आर परफॉर्म ऑन इट। इफ द ऑप्टेन स्ट्रक्चर कम्स आउट टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल इज सेड टू पजेस एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विच इज नेम्ड ऑन ऑपरेशनल परफॉर्म। क्लियर। किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशंस अपन ऑपरेट करते हैं, जैसे रोटेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर। तो रोटेशन रिफ्लेक्शन जो ऑपरेशन अपन ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर जो अपन को मॉलिक्यूल प्राप्त होता है ये ऑपरेशन लगाने के बाद में, वह ओरिजिनल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी कि अपन उसमें विभेद नहीं कर पाए कि ये ओरिजिनल है या दूसरा कोई मॉलिक्यूल है। क्लियर। सेम ओरिजिनल की तरह ही अपन को प्राप्त होता है, अपन विभेद नहीं कर सकते कि ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, तो वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक कहलाता है। क्लियर। और जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो उसका नाम देंगे अपन, वह जो ऑपरेशन लगाया जा रहा है उसके नाम के आधार पर उसका नाम होगा। जैसे प्लेन लगा रहे हैं, प्लेन लगाने के बाद में अगर दोनों सेम पाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी आगे देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने प्रकार की होती है। एक और बात कि जो ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, यह क्या काम आती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपन को ये बताने बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई मॉलिक्यूल प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक असक्रिय है, उसको हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार कौन सा मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल होगा, यानी अध्यारोपित होगा, और कौन सा अध्यारोपित नहीं होगा, यह भी हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के द्वारा बता सकते हैं। क्लियर। अब जो अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशन, उसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन होता है हम। क्लियर। तो रोटेशन रिफ्लेक्शन को अगर अपन कंबाइन करें और इन जो ऑपरेशन लगा रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशन उनको कंबाइन करें, तो हमें पाएंगे कि तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो मेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। इन तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स के आधार पर ही हम अगर ये मॉलिक्यूल्स में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक भी सिमेट्री और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक कहलाता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वह मॉलिक्यूल सिमेट्रिक कहलाएगा, सममित कहलाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और किस मॉलिक्यूल में तीनों में से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो वह मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होगा, और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो अपनी मिरर इमेज पर एक अध्यारोपित नहीं होता है, नॉट सुपर इम्पोजिबल। क्लियर। और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो है मिरर इमेज पर, उसकी मिरर इमेज पर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। अभी देखो एक एक को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ए प्लेन विच डिवाइड द मॉलिक्यूल इंटू टू हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। ऐसा प्लेन जिसको किसी मॉलिक्यूल्स में से अगर अपन पास करें तो वह उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे,
जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को अपन बीच में से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर तो देखो आगे पीछे सिर अलग अलग है, तो इसको तो अपन सिमेट्री नहीं कह सकते। ऐसा कोई भी वस्तु अभी आगे एग्जांपल देखेंगे जिसको हम बराबर हाफ भागों में बांट दें, ऐसा प्लेन जो पास करने पर दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। द मॉलिक्यूल कंटेनिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी द सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड हैंस ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। क्लियर। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे अभी अपन ने जस्ट अभी बताया ही है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। और जो सिमेट्रिक होता है वह अपनी मिरर इमेज पर क्या होता है? सुपर इम्पोजिबल होता है, अध्यारोपित हो जाता है। और जो सुपर इम्पोजिबल हो गया मिरर इमेज पर, तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वह प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। इफ द मॉलिक्यूल डज नॉट पजेस इट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट विल नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड हैंस इट विल बी कायरल। आगे बढ़ते हैं। जैसे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको सिग्मा के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अंग्रेजी का ए अक्षर है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन लगा रहे हैं अपन। इस प्लेन को लगाने के बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो गया। क्लियर। यहाँ से डिवाइड हो गया, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? अध्यारोपित हो जाते हैं, सुपर इम्पोजिबल। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी प्रकार अब चूंकि ये वर्टिकल है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे बी, अपना अंग्रेजी मन में लगा बी अल्फावेट, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लग रहा है, दोनों मिरर इमेज है और दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? अध्यारोपित होते हैं। आप एग्जांपल देखो, मेसोटार्टिक एसिड, मेसोटार्टिक एसिड में ये वाला प्लेन है, यहाँ से बीच से अपन अगर काटेंगे तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, दोनों भाग एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज, और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। तो ये कैसा है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐसा प्लेन जो कि दोनों भागों को बराबर डिवाइड कर रहा है, तो ये भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी प्रकार बेंजीन में प्रेजेंट है और इथेन में भी आप देख सकते हो। तो वह प्लेन जो दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिए, दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो हम क्या बोलते हैं उसका? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एन इमेजिनरी पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन देन द सिमिलर एटम्स विल बी एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू बोथ द साइड्स। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा इमेजिनरी प्लेन पॉइंट, ऐसा काल्पनिक बिंदु जिसके द्वारा अगर अपनी एक सीधी लाइन खींचें, तो उस लाइन के दोनों तरफ, यानी उस बिंदु के जहाँ से वो लाइन खींचे, तो दोनों कॉर्नर्स पर सेम डिस्टेंस पर सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम्स या सेम ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर एस एटम, एस ले रखा है अल्फ़ाबेट, यहाँ से आप देख सकते हो कि अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों डायरेक्शन में सेम एटम्स या ग्रुप्स, या तो कोई है नहीं, तो सेम डायरेक्शन में सेम सेम डिस्टेंस पर सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम एटम प्रेजेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आगे एग्जांपल्स देखो, जैसे मेसोटार्टिक एसिड, मेसोटार्टिक एसिड में ये मिडल में एक पॉइंट ऐसा है जिससे अगर अपन एक लाइन खींचें COOH और COOH के साथ, तो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप समान दूरी पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार OH और OH समान दूरी पर स्थित हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान दूरी पर स्थित हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि वह बिंदु किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, वह इमेजिनरी पॉइंट जिसके द्वारा, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पर समान मॉलिक्यूल, समान एटम, समान ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार आप बेंजीन में भी देख सकते हो।
अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज़ द एक्सिस बाय विच अ थिंग और अ मॉलिक्यूल ऑन रोटेशन कन्वर्ट्स इनटू द सेम स्ट्रक्चर। द न्यू फॉर्म आफ्टर रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेम एज ओरिजिनल। क्लियर? यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या कि वह एक्सिस जिससे अगर किसी मॉलिक्यूल रोटेट करें तो रोटेट करने के बाद में सेम मॉलिक्यूल अपन को प्राप्त होता है, यानी ओरिजिनल जैसा वो पहले था वैसा का वैसा ही अपन को रोटेट करने के बाद में, उस एक्सिस से रोटेट करने के बाद में प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी एन के द्वारा दिखाते हैं और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री था अपन उसको स्मॉल आई के द्वारा अपन डिनोट करते थे। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सी एन, हेयर सी रिप्रेजेंट्स द साइकिल। क्लियर? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी एन से दिखाते हैं और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, साइकिल को। इफ मॉलिक्यूल आफ्टर रोटेशन एट 360 डिग्री अपॉन एन एंगल कन्वर्ट्स इनटू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर देन इट इज सेड दैट द मॉलिक्यूल हैज एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल को 360 डिग्री अपॉन एन एंगल के द्वारा रोटेट करके इसको इसकी कन्वर्ट करते हैं इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी यहाँ पर इसका मतलब समझो क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, अपन एग्जांपल लिया हमने H2O, जिसमें H दोनों हाइड्रोजन को A और B से अपन ने डिनोट कर दिया थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को इस एक्सिस से, ये आप देख रहे हैं ये एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर अपन 180 डिग्री से घुमाएं, ठीक है 180 डिग्री से घुमाते हैं तो अपन को ये प्राप्त होता है और ये सेम इसकी तरह है, सेम ओरिजिनल मॉलिक्यूल की तरह ही है। क्लियर? तो इस 180 डिग्री घुमाया तो 360 डिग्री बटा कितना एंगल हुआ अपना 180, कितना हुआ 2, तो एन कितना है अपना 2, यानी कि C2। इसको कौन सी एक्सिस बोलेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो वाटर में कौन सी एक्सिस सिमेट्री पाई जाती है, C2। यानी कि जितने डिग्री एंगल से अपन घुमाते हैं और घुमाने के बाद में अगर वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल अपन को प्राप्त होता है तो उसका 360 डिग्री में भाग दे दूँ। जैसे अगर आप BFT की बात लें, पंखे की बात लें, पंखे में आप देख सकते हो तीन पंखुड़ियाँ हैं, ये देखो तीनों जैसे जस्ट लाइक BF3। अब BF3 मॉलिक्यूल्स में अगर मैं पटे पंखुड़ी को एक पंखुड़ी से गुजरता हुआ सॉरी ये जो पंखे में अपन जो ऊपर जो पाइप लगा होता है ना, अगर उससे अपन 120 डिग्री के एंगल से अपन घुमाएं तो पंखुड़ी अपना स्थान चेंज कर लेती है और एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। जैसे फर्स्ट पंखुड़ी थी उसकी जगह क्या आ गई, दूसरी आ गई, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन था वो सेम ऐसा का ऐसा ही है कि जैसे पहले ओरिजिनल था, लेकिन क्या पंखुड़ी चेंज हो गई। ठीक है? तो यानी 120 डिग्री से अपन ने घुमाया तो पंखिया वैसे के वैसे ही है लेकिन पंखुड़ियाँ दूसरी आ गई उस जगह पर। तो 120 का बाद 360 में कितना आया, 3। तो यानी कि BF3 मॉलिक्यूल, BF3 भी कैसा होता है, sp2 संकेत कक्षा होता है, इसमें संकीर्ण होता है BF3 में और ट्रायगोनल में प्लेनर होता है, जैसे पंखे की तरह होता है उसकी स्ट्रक्चर, पाइप हटा दो। क्लियर? तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहाँ पर जॉइंट होगी। इसी प्रकार अगर किसी को 90 डिग्री एंगल से अपन घुमाते हैं और अपन को ओरिजिनल प्राप्त होता है तो 360 बटा 90 कितना हो गया 4, तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यानी C2, C3, C4, C5 ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज अलग अलग मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर उसकी शेप किस प्रकार से। अपने वाटर का मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, यहाँ पर 180 से घुमाया तो वाटर में कौन सा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यानी फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स रोटेशन एक्सिस इज इनफाइनाइट। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेशन जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है, सी इनफाइनाइट, क्योंकि 360 डिग्री अपॉन इनफाइनाइट बराबर 0 डिग्री होता है। आप देखो एग्जांपल एसिटिलीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। अब देखो एसिटिलीन का एग्जांपल देखो CH, यहाँ पर ये चारों एटम एक ही एक्सिस पे मौजूद हैं, तो इस एक्सिस से अपन कितना भी एंगल से घुमाओ, छोटे से लेके कितना ही ज़्यादा एंगल से आप घुमाओ, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्लियर? यानी कि एक ही एक्सिस में उसी एक्सिस पर पाए जाएंगे, बस कितने एंगल से घुमाओ तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। तो इनमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सी इनफाइनाइट। क्लियर? ऐसे ही प्रकार CO2 का एग्जांपल, ये BF3 का मैंने देख ही लिया, ये देखो C3 लगाई तो FA, A की जगह क्या आ गया C, B की जगह क्या आ गया A, और
या देखो ना आप, अगर यहाँ से अपन घुमाएं इसको तो एक ही जगह क्या जाएगा, ये वाला, और ये किसकी जगह जाएगा, इसकी जगह, और ये इसकी जगह आ जाएगा। लेकिन दोनों सेम वैसा का वैसा ही है, बी एफ टी पहले भी ऐसी सेफ थी, अभी भी ऐसी स्ट्रक्चर पोजीशन वही है, यानी पंखुड़िया चेंज हुई है केवल, यानी कि फ्लोरिंग की जो अपन असाइन करके हैं वो अलग अलग हुए हैं, बाकी सेम ओरिजिनल की तरह ही है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें सी थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये बात हो गई रेफरेंसेस की, धन्यवाद।